वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ दो क्वेश्चंस। अरे यार, ये ठंडी में वॉइस क्यों क्रैक होने लगती है यार? दुनिया का सारा दुख एक तरफ और ये ठंडियों के टाइम वॉइस क्रैक होने वाला रिकॉर्डिंग के टाइम वाला दुख एक तरफ। तो मैं क्वेश्चन है इसकी, क्या आप लोग पोकेमोन ब्लैक का जो मैंने सीरीज चालू किया था अपने चैनल पे, क्या आप लोग उसका कंटिन्यूएशन देखना चाहते हो? क्या आप लोग उसके नए एपिसोड्स देखना चाहते हो विथ फेस कैम? प्लीज अगर आप लोग देखना चाहते हो आगे की एपिसोड्स और आगे की सीरीज विद फेस कैम, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में #black स्पैम करो। जितने ज्यादा कमेंट्स होंगे उतने ज्यादा चांसेस होंगे नेक्स्ट एपिसोड फटाफट आने के। तो प्लीज जाओ फटाफट अपने ओपिनियंस कमेंट करो, ठीक है? और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेन स्ट्रीम एनिमे में से आप लोग नेक्स्ट वीडियो किस एनिमे पर देखना चाहोगे? क्या डीमन स्लेयर पर देखना चाहोगे या फिर बेब्लेड पर? इन दोनों में से आप लोग नीचे कमेंट करके बता सकते हो या फिर अपना फेवरेट वाला भी बता सकते हो। बट आई एम होपिंग फॉर डीमन स्लेयर। तो आप लोग प्लीज डीमन स्लेयर अगर चाहते हो देखना चैनल पे कंटेंट उससे रिलेटेड, तो प्लीज कमेंट करके बताओ। वैसे ही जितने ज्यादा कमेंट्स होंगे उतने ज्यादा जल्दी वीडियो आ जाएगा, ठीक है? चालू करते हैं आज के इस वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। इतने साल गुजर गए और पोकेमोन के इतने सारे जनरेशंस निकल गए, एंड इसी के चलते हम लोग भी बड़े हो गए। हम लोग बच्चे से एडोलेसेंट हो गए और अब तो एडल्ट भी होने वाले काफी लोग। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं आप लोग में से काफी लोग की बात कर रहा हूँ। काफी लोग को दाढ़ी और बियर्ड आ गई। यार मैं कहाँ पहुंच रहा हूँ यार, कहाँ टॉपिक का है और मैं कहाँ जा रहा हूँ? तो ठीक है, तो इतने सारे जनरेशंस निकल गए हैं, एंड इतने सारे जनरेशंस निकलने के बाद जनरेशन 8 को भी फाइनली 3 साल बीत चुके हैं। मुझे याद है अच्छे से 2019 में मैंने वीडियो बनाया था जनरेशन 8 के ऊपर। तब तो मैं एकदम भोंदू सी रिकॉर्डिंग किया करता था। अब तो मेरी वॉइस काफ़ी बेटर हो गई है, आप लोगों को भी काफ़ी अच्छी लगती है। तो फिर टॉपिक से भटक रहा हूँ यार, तो ठीक है टॉपिक पे आते हैं। तो अब फाइनली जनरेशन 9 इज हियर। Yes, that's my excitement for Generation 9, and Generation 9 finally अब आ ही गया है। Yes, ये कोई सपना नहीं है, एकदम असली बात है। Generation 9 आ गया, एनिमे भी हम लोग को उसकी hints और leaks देखने मिल गए। Team Rocket Paldea में जा रही है Sprigatito को पकड़ने, and काफी कुछ हम लोग को दिखा दिया गया है। तो इसी के चलते मैंने सोचा Generation 9 इतना करीब आ गया है तो हम क्यों पीछे रहें, हम भी उसके करीब आने की कोशिश करते हैं और एक वीडियो बनाते हैं जिसका नाम आप लोग भली बात ही जानते हो, जो कि है व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम जनरेशन 9 एनिमे सीरीज ऑफ पोकेमोन। सो या आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि हम लोगों को क्या क्या चीजें एक्सपेक्ट करनी चाहिए पोकेमोन के जनरेशन 9 स्कारलेट एंड वायोलेट एनिमे सीरीज से। हम लोग को क्या क्या देखने मिल सकता है एंड क्या क्या फेनोमेनन्स देखने मिल सकते हैं एनिमे के अंदर, एंड क्या क्या देखने मिलेगा विद श्योरिटी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। इसलिए तो ये वीडियो बनाया गया है आप लोगों के लिए। So hey guys, what's going on? मैं हूं A2 और आप लोगों का स्वागत है एक और The Amazing वीडियो में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग को Paldea रीजन यानी कि स्कारलेट एंड वायलेट वाले एनिमे सीरीज से क्या क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए एंड हम लोग को क्या क्या देखने मिल सकता है इन दैट एनिमे सीरीज। तो इतने फालतू जोक्स और इन सब चीजों के चक्कर में इतना लंबा खिंच गया है वीडियो, फिर भी मैं बेशर्म होके कहना चाहूंगा आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस वन। तो फिर चालू करते हैं आज के इस वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन इट टू फैम। पॉइंट नंबर 1, एश का क्या होगा? तो इसके ऊपर मैंने डिटेल में एक वीडियो बना रखी है, क्या गुड बाय एश हम लोग को देखने मिलेगा पोकेमोन जेन 9 पैल्डिया रीजन में या फिर हम लोग को एश केचम आगे दिखाया जाएगा। तो फिर भी मैं क्लियर करना चाहूंगा भाई, एश के बिना पोकेमोन का धंधा नहीं चलने वाला। सो यस, एश केचम विल बी देयर इन पोकेमोन जेन 9 एनिमे सीरीज, ठीक है? तो एश अपना कहीं नहीं जा रहा है, फिर भी आपको डिटेल में जानने की थोड़ी बहुत अपेक्षा है तो आप लोग वो वाला वीडियो जाके देख सकते हो। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आई कार्ड पे भी वो फ्लैश हुआ होगा, ठीक है? तो अब सेकंड नंबर पॉइंट पे आते हैं। तो पहली बात, हम लोग को एश देखने मिलेगा। नंबर 1 में यहीं पे क्लियर कर देता हूं, यस आप लोग एश को ही एक्सपेक्ट कर सकते हो यार जेन 9 से। पॉइंट नंबर 2, न्यू पार्टनर न्यू फ्रेंड्स। अब देखो पोकेमोन की कोई भी एनिमे सीरीज या फिर कोई भी जनरेशन है, किसी भी मूवी की शुरुआत होती है, उसमें नए कैरेक्टर्स ना अपीयर हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। अकेले एश अपने दम पे पूरा पोकेमोन तो नहीं खींच सकता, खींच सकता है, खींच रहा है, खींच चुका है, फिर भी नए कैरेक्टर्स की जरूरत पड़ती है यार। मतलब प्रोटैगनिस्ट के साथ उसके पार्टनर्स होने चाहिए, एंड ऐसे ही जनरेशन 9 में कोई ना कोई तो आएगा ना। जैसे जेन 8 में गो आया, उसके पहले इतने सारे लोग आए, मैं आप नाम लेने जाऊंगा तो वीडियो और लंबी हो जाएगी। बट यस, जेन 9 में हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं न्यू पार्टनर और न्यू फ्रेंड से। अभी गेम में जो कैरेक्टर्स हैं आई डोंट नो कि वही आ जाएंगे एनिमे में भी, आ भी सकते हैं, कोई कोई आ जाते हैं, जैसे लियोन आ गया था एंड बहुत सारे आ गए थे, सोनिया आ गई थी, बट एग्जैक्टली वही नहीं हो जाएगा, कुछ चेंजेस भी होंगे। जैसे गो कोई गेम में था नहीं बट फिर भी वो एनिमे में आया, क्लोई भी आई, तो वैसे नए पार्टनर और न्यू फ्रेंड्स
डेफिनेटली आने वाले, क्योंकि गोई तो पूरा संभालने नहीं वाला ना पोकेमोन, अब एश के साथ दूसरे बंदे भी चाहिए, हमको बंदी भी चाहिए। सो यस, हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं न्यू पार्टनर और न्यू फ्रेंड्स और प्रोटैगनिस्ट हमारे एश के साथ पोकेमोन जेन 9 एनिमे में, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 है न्यू मिशंस। अब पोकेमोन एनिमे है और नया जनरेशन है, उसमें नए मिशंस ही ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। अब कोई गोल ही नहीं है बंदों का और वो बंदे घूमे जा रहे हैं जंगलों में इधर उधर, मतलब घूम रहे, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। नए मिशंस डेफिनेटली ऐड होंगे, जैसे एश का पहले ही गोल हम लोग को बता दिया गया था लियोन से भिड़ने वाला है लास्ट में जाके वो, और वैसा हुआ तो वैसे ही हम लोग को कोई ना कोई एश का गोल दिखाया जाएगा इसमें भी पैल्डिया रीजन में। मे बी फर्स्ट स्टेप हो सकता है पोकेमोन मास्टर बनने का पैल्डिया रीजन, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बट जो भी हो, ऐसा कुछ ना कुछ तो हम लोग को देखने मिलेगा एक बड़ा गोल एश का पैल्डिया रीजन यानी कि स्कारलेट एंड वायलेट एनिमे सीरीज में। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हर्बा मिस्टिका कोई ले लो, मतलब ये ऐसे कुछ फूड ग्रेन्स होते हैं जिनको अगर पोकेमोन खा ले, ऐसा हम लोग को स्कारलेट एंड वायलेट के गेम में दिखाया गया है एंड बल्बपीडिया पे भी यही लिखा है, अगर इनको पोकेमोन खा ले तो वो पूरा रिचार्ज हो जाता है एंड उसकी पूरी एनर्जी वापस आ जाती है। तो मे बी स्टार्टिंग में हम लोग को ऐसा दिखाया जा सकता है कि हर्बा मिस्टिका को ऐश और उसके फ्रेंड्स जो है, या फिर अकेला ऐश ही ढूंढे जब तक उसके साथ कोई बंदी ना पटे, तो ऐश ढूंढे ये सब एंड पिकाचू को रिचार्ज करे फर्स्ट एपिसोड में, जैसा हर बार हो जाता है पिकाचू फेंट हो जाता है, तो हर्बा मिस्टिका की मदद से वो मिशन पे जाए, हर्बा मिस्टिका को ढूंढे एंड पिकाचू फेंट पिकाचू को वापस से रिचार्ज करे। पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं, ठीक है, जो कि है न्यू आउटफिट एंड आर्ट एंड स्टाइल। अब बाकी चीजों की तरह इसमें भी अगर आप लोगों को डिटेल में घुसना है तो इस पे जाके पुरानी वाली वीडियो देख लो, सब प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। मैंने जेन 9 के ऊपर अलग से आप लोग के लिए सिर्फ एक प्लेलिस्ट बना के रखी है जिसमें जेन 9 के बारे में लिटरली सारी इन्फो भरी हुई है, जो कि आउटफिट, गुड बाय एश एंड बंदी बंदा जो भी है आप लोग को देखना चाहते हो, जेन 9 में एक्सपेक्ट करना चाहते हो, सब कुछ उसमें पड़ा हुआ है। तो आउटफिट से रिलेटेड भी एक वीडियो है कि एश कौन सी आउटफिट्स में देखने मिल सकता है हम लोग को, तो फिर आप लोग वो वाली वीडियो के देखो, उसमें एकदम डिटेल में बताया गया है। और इस वीडियो में हम लोग बात करें तो हाँ, मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूं, यस यू कैन एक्सपेक्ट ए न्यू आर्ट एंड स्टाइल एंड ए न्यू आउटफिट फ्रॉम पोकेमोन जेन 9 एनिमे सीरीज, ठीक है। अब देखो, हमेशा की तरह कोई ना कोई जनरेशन आता है नया वाला, तो एश के कपड़े भी चेंज होते हैं अब, और नई आउटफिट भी आती है उसकी, और नई आर्ट एंड स्टाइल भी आती है। तो अभी हम लोग को कौन सी आर्ट एंड स्टाइल देखने मिलेगी उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग को डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा और आई कार्ड पे भी फ्लैश हो जाएगा, लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है, तो आप लोग वो जाके देख लो। बट यस, हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं नई आर्ट एंड स्टाइल डेफिनेटली होगी एंड नई आउटफिट एश की डेफिनेटली होगी इसमें, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं, जो कि है लेजेंडरीज, जिनकी तुम सवारी कर सकते हो। अब आई डोंट नो कि ये किसका आइडिया था कि साइकिल और बाइक से इंस्पिरेशन लेके लेजेंडरी पोकेमोन हम लोग को फ्यूचर में दिखाए जाएंगे, ऐसा कसम से मुझे बचपन में पता चल जाता ना, मैं पोकेमोन क्विट कर देता। ओके, जोक्स अपार्ट, बट लिटरली बाइक और मतलब मैंने से बात की है लाइफ में, बट फिर भी यार मेरे को खुजली है पता नहीं क्यों, मतलब बाइक और साइकिल जैसे लेजेंडरी पोकेमोन्स हम लोग को दिखाए जा रहे हैं, कोराइडॉन और मिराइडॉन, ठीक है, अब उनकी बेइज्जती नहीं करेंगे हम, अब हम कोई बेइज्जती नहीं करेंगे इनकी। नल्ले नल्ले लेजेंडरी नल्ले जेन 9 के लेजेंडरी नल्ले, क्या किसी ने सुना तो नहीं ना यार। ओके, नाउ आई एम सीरियस एंड अब कोई भी इनकी बेइज्जती नहीं करेगा, ठीक है। तो यस, लेजेंडरी पोकेमोन कोराइडॉन और मिराइडॉन जो हमारे हैं पैल्डिया रीजन की, जो कि भाई मेरे से पता नहीं क्यों इनकी इज्जत भी नहीं हो रही है। ओके, नो बेइज्जती, बट हाँ, इनसे हम लोग को स्टार्टिंग में ही मिलवाया जा सकता है। और गेम्स की हम लोग बात करें तो जैसे इटरनेटस वाली आर्क आई थी इसका, और स्वॉर्ड एंड शील्ड वाली जैशियन और जेमेजेंटा वाली आर्क आई थी, जो हम लोग को एनिमे में भी एक्सक्लूसिवली दिखाई गई थी, वो हम लोग को डेफिनेटली एक्सपेक्ट करनी चाहिए जेन 9 एनिमे से, क्योंकि एनिमे है, जेन 9 है, तो हम लोग को डेफिनेटली कोराइडॉन और मिराइडॉन भी स्पॉट किए जाएंगे एनिमे में एंड डेफिनेटली एश उनसे मिलेगा भी एंड देखने तो मिल ही जाएगा यार, बंदा इतने लोगों से मिल चुका है, आर्कियस से खुद मिल चुका है, तो ये लोग कौन है भाई, ये तो लफंगी है। तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग को मे बी उनसे स्टार्टिंग में ही मिलवाया जा सकता है ताकि हाइप क्रिएट हो जाए। जैसे एश एक बार जा रहा था लियोन से मिलने तो इटरनेटस आ गया था और पूरे प्लेन की हवा टाइट हो गई थी, तो वैसे ही कुछ अपीयरेंस हम लोग को देखने मिल जाए जिससे एकदम ही मतलब हवा माहौल बदल जाए पूरे पैल्डिया का, वैसे ही हम लोग को कुछ लेजेंडरी थिंग्स देखने मिल सकती है एंड ये फेनोमेनन सच में मेरे दिमाग पे जा रहा है यार, मतलब क्रेजी है ये एक टाइप से। पर यस यार, तुम लोग गेम खेलो या एनिमे देखो, ट्रेनर्स लिटरली इनकी सवारी भी कर सकते हैं अगर ज्यादा अच्छे से मतलब बॉन्ड बन गया तो के साथ, वरना तुम्हारी वाट में लगा देंगे ये। पॉइंट नंबर 6, टाइटन पोकेमोन। अब देखो, पैल्डिया का फेनोमेनन ही ये है कि वो कुछ नई थिंग्स लेके आए हमारे लिए, तो वैसे ही पैल्डिया में जैसे हम लोग को गलार में जाजेंटा मैक्स और डायनामैक्स देखने मिले थे, वैसे ही यहाँ पे टाइटन पोकेमोन रहते हैं और टोटल 5 टाइटन पोकेमोन है, जो कि उनका हम लोग प्लॉट
प्लॉट क्यों कह रहा हूँ यार मैं, उनकी इन्फो की बात करें हम लोग तो द पाथ ऑफ लेजेंड्स करके एक स्टोरी लाइन है, तो मे बी हम लोग को ये भी एनिमे में देखने मिल सकती है, तो आप लोग एक्सपेक्ट डेफिनेटली कर सकते हो। तो स्कारलेट एंड वायलेट का एक फेनोमेनन है जिसमें ये अपीयर होते हैं लार्जर देन अदर पोकेमॉन, इसलिए इनका नाम है टाइटन पोकेमॉन। और हर्बा मिस्टिका जो इंग्रेडिएंट है जिससे पोकेमॉन, जैसे मैंने आप लोग को पॉइंट स्टार्टिंग में ही बताया कि जो मिशन हो सकता है ऐश का मे बी हर्बा मिस्टिका को ढूंढने का, तो उस चीज को ये गार्ड करते हैं। मतलब हर्बा मिस्टिका कोई ऐसा फूड नहीं है जो आसानी से मिल जाएगा, टाइटन पोकेमॉन्स उनको गार्ड करते हैं। तो अपने पोकेमॉन की हेल्थ भाई रिचार्ज करानी है तो टाइटन पोकेमॉन से भिड़ना पड़ेगा ऐश को, तो मे बी ऐसे ही ऐश का सामना हो जाए किसी ना किसी टाइटन पोकेमॉन से और हम लोग को कुछ नया दिखाने मिल जाए स्कारलेट एंड वायलेट के एनिमे में। तो हाँ, टाइटन पोकेमॉन बहुत बड़े होते हैं और साइज में भी काफ़ी बड़े होते हैं, एंड डेफिनेटली आप लोग इनको एक्सपेक्ट कर सकते हो एनिमे में, हम लोग को डेफिनेटली देखने मिलेंगे और ऐश का इनसे सामना भी हो सकता है। नाउ पॉइंट नंबर 7 इज ऐश का स्टार्टर पोकेमॉन कौन सा होगा फ्रॉम जेन 9 एनिमे। आई नो इसके लिए काफी लोग को एक्साइटमेंट होगी कि भाई ऐश का स्टार्टर पोकेमॉन कौन सा होगा, इसके लिए काफी लोग एक्साइटेड रहते हैं। मैं खुद इतना ज्यादा एक्साइटेड रहता हूँ कि मैं क्या ये बताऊँ, अब मैं बता नहीं सकता क्योंकि वीडियो और लॉन्ग मैं नहीं करना चाहता क्योंकि अब थोड़े से पॉइंट्स और बचे हैं तो उनको बता के हम लोग वीडियो एंड करते हैं, ठीक है। तो स्टार्टर पोकेमॉन मुझे पता नहीं अंदर से क्यों वाइब्स आ रही है कि ऐश फ्यूकोको को चुनेगा क्योंकि फायर टाइप, और मुझे लग रहा है ऐश का जो अभी एटीट्यूड चल रहा है लियोन को बीट करने वाला, तो पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि वो उसको ही चुनेगा और आग लगा देगा पूरे पैल्डिया रीजन में। अब ये मेरी ओपिनियन है, तो मे बी फ्यूको को हो सकता है, क्वैक्सली तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता है, विस्प्रेगाटो हो सकता है, अब पॉइंट बन भी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। आपको क्या लगता है आज का स्टार्टर कौन सा होगा तीनों में से, स्प्रेगाटो, फ्यूको और क्वैक्सली में से, आप लोग प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 8 और इस वीडियो के लास्ट पॉइंट के ऊपर जो कि है द टेरेस्ट्रियल फेनोमेनन, आई मीन द टेरेस्ट्रियल फेनोमेनन। अब मैं आप लोग को ये फटाफट एक्सप्लेन कर देता हूँ एंड डेफिनेटली हम लोग ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं जनरेशन 9 की एनिमे सीरीज से, क्योंकि ये सब गेम्स में हुआ है एंड जेन 9 की ये सब मेन चीजें हैं, तो डेफिनेटली ये सब एनिमे में भी हम लोग को देखने मिलेंगी। अब पेल्डिया रीजन है, जेन 9 है, नई नई चीजें भी एड होंगी ही डेफिनेटली, तो वैसे ही जो टेरेस्ट्रियल फेनोमेनन है हमारा वो है एक टेम्पररी ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे मेगा एवोल्यूशन हमारा था तो वैसे ही टेरेस्ट्रियल फेनोमेनन भी एक टेम्पररी ट्रांसफॉर्मेशन है पोकेमॉन्स का, जो कि उन्हें एक जेम लाइक अपीयरेंस देता है, चेंजिंग इट्स एक्सक्लूसिव टेरा टाइप, मतलब एक टेरा टाइप ऐड हो जाता है उनके ऊपर, एक डायमंड जैसी चीजें उनके सर के ऊपर ऐड हो जाती है। जैसे ये पिकाचू है जिसका नाम है टेरेस्ट्रियलाइज्ड पिकाचू विद फ्लाइंग टाइप टेरा ज्वेल, तो आई गेस आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो ऐसी चीजें हम लोग को जेन 9 में देखने मिलेगी, तो एक्साइटेड हो जाओ सब लोग, मतलब लिटरली ये सबसे एक्साइटिंग फेनोमेनन है, इसलिए मैंने इसको सबसे लास्ट में रखा पेल्डिया रीजन का, मतलब टाइपिंग ही चेंज हो जाएगी और टेरा टाइप में पोकेमॉन जो है वो मतलब टेम्परेरीली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, और जैसे ये टेरेस्ट्रियलाइज्ड पिकाचू है वैसे अलग अलग पोकेमॉन के अलग अलग फॉर्म्स देखने मिलेंगे। जैसे आप लोग को ये ईवी का जूल देखने मिल रहा होगा, टेरा जूल इसको बोलते हैं, एंड इन पोकेमॉन ये जो टेम्परेरीली ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं तो इनको टेरा पिकाचू या टेरा ईवी कहा जाता है। तो अगर ऐश का पिकाचू टेरा पिकाचू बन गया और जूल से उसने जो अपना है टेरेस्ट्रियल फेनोमेनन को फॉलो किया, तो उसकी जो एबिलिटी है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और उसका लुक कुछ ऐसा हो जाएगा भाई, तो कितना क्यूट दिख रहा है ये एंड कितना महंगा पिकाचू दिख रहा है, मतलब सही शब्दों में। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, और ये सबसे बड़ी मिस्ट्री है कि ये आखिर पेल्डिया रीजन में ही क्यों होता है, तो इसके लिए हम लोग को एनिमे फॉलो करना पड़ेगा, गेम्स फॉलो करनी पड़ेगी। मेनली आप एनिमे फॉलो करो, आपकी मर्जी, आप गेम्स फॉलो कर सकते हो, बट मैं तो एनिमे के ऊपर वीडियो बना रहा हूं ना, तो इसलिए मैं एनिमे फॉलो करने को कहूंगा आपको। तो हाँ, ये वो फेनोमेनन है जिसके लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूं, और क्या ऐश का पिकाचू टेरा पिकाचू बनेगा, क्या उसके ऊपर ऐसे 3 जूल आएंगे, और क्या वो अपनी टाइप को चेंज करके फ्लाइंग टाइप पिकाचू में मतलब जाएगा टेम्पररीली या फिर नहीं, वो हम लोग को एनिमे में पता चल जाएगा। ये काफी बड़ा फेनोमेनन है पेल्डिया रीजन का, जैसे ऐश का पिकाचू डायनामैक्स हो गया था बिन बताए, वैसे ही हो सकता है टेरेस्ट्रियल फेनोमेनन भी फॉलो कर ले वो पेल्डिया में। So yeah guys, that's it for now. I hope आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। मैंने फाइनली 8 पॉइंट्स आप लोगों को बताया कि आप लोगों को क्या क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, मैंने गेम्स के बेसिस पे, रिसर्च के बेसिस पे और फेनोमेनन्स के बेसिस पे एंड पोकेमॉन से मतलब सब चीज रिसर्च करके आप लोग के लिए जनरेशन 9 की एक ढांसू वीडियो बनाई, जिससे आप लोग पता कर पाओ कि जेन 9 में हम लोग को क्या क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए एंड क्या एक्सपेक्ट करके हम लोग एनिमे सीरीज को देख सकते हैं। एंड डेफिनेटली 90% चांसेस है कि ये सब हम लोग को देखने मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये जेन 9 के फेनोमेनन्स है एंड इनके बिना जेन 9 इनकम्प्लीट है। तो आप लोगों को एनिमे में ये सब डेफिनेटली देखने तो मिलेगा ही यार, तो एक्साइटेड हो जाओ, इतने अच्छे अच्छे फेनोमेनन से, बाइक जैसे लेजेंडरीज, ओके नो बेइज्जती, इतने अच्छे अच्छे फेनोमेनन से, इतनी सारी चीजें हैं, इतनी मस्त मस्त चीजें हैं, तो आप लोग प्लीज जाओ
फटाफट से एक्साइटेड हो जाओ और इस वीडियो को एक लाइक दे देना, ठीक है। तो इतनी लंबी वीडियोस में मतलब पर्सनली बनाता नहीं हूँ, बट आप लोग के लिए मुझे एक वीडियो करना था एंड जेन 9 पास आ चुका है, तो आप लोग को मुझे सब चीज़ें एक्सप्लेन करनी थी एंड सब आप लोग क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो भी कुछ है वो आप लोग को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो इसलिए लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल में पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना, क्योंकि हम लोग ऐसे यहाँ पे पोके टॉक्स एनिमे टॉक्स हमेशा करते रहते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, मिलेंगे आपसे फिर किसी अमेजिंग वीडियो में, जब तक के लिए ड्रू पोकेमोन और एनिमे फैन बने रहे, गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, मेरी वॉइस भी क्रैक हो रही है, मुझे जाना पड़ेगा, ओके बाय।